15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 5 के विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विक्रम बागरी को 10 साल कारावास की सजा व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी गांव का ही है जो 15 साल की नाबालिग को पकड़कर पड़ोस के घर ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का पता लगने पर पीड़िता की मां ने 29 दिसंबर 2019 को रामगंज मंडी थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी बुआ की मौत पर सभी घरवाले, सास, बड़ी बेटी दाह संस्कार में शामिल होने गए थे। घर पर उसकी 15 साल की छोटी बेटी अकेली थी। दाह संस्कार में शामिल होकर शाम को वापस लौटे तो मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो रहे थे। छोटी बेटी ने बताया कि उसे गांव का विक्रम हाथ पकड़कर घर से पड़ोस के घर में खींच कर ले गया, चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया। शोर सुनकर देवर मौके पर आया तो विक्रम ने देवर से लात घूसों से मारपीट की और नीचे पटक दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 12 गवाहों के बयान कराए गए।